हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्की यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, सेल का सीजन स्टार्ट हो चुका है। चाहे वो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल हो या अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो, शॉपिंग दबा के यहाँ पर लोग कर रहे हैं। आपने भी करे हो, मैंने भी करा हूँ। लेकिन ऐसे तीन पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि खरीदने से पहले आपको ये तीन चीज का ध्यान रखना है, स्पेशली सेल के दौरान। तो क्या कुछ मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन है, सारी चीजें बताने वाला बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने जो LG GA Tex के ऊपर वीडियो डाले थे, चार्जर उसमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, फेक सेल था, असली सेल था, एज वेल एज प्राइस हाइक होगा, अब क्या स्टॉक में आएगा नहीं आएगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो, डिटेल में वो वीडियो बनाया तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीन पॉइंट जो कि सेल में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन जो आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, इफ यू डोंट नीड डोंट बाय इट। मतलब अगर आपको जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी धमाकेदार ऑफर हो, आपको प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना है। जी हां, ऐसी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कुछ ही दिन पहले या कुछ महीनों पहले हमने कोई स्मार्टफोन लिए, लेकिन हम देखते हैं दूसरे स्मार्टफोन में बहुत तगड़ी डील मिल रही है, तो उसको बेच के जो है वो परचेज करेंगे, उसमें लॉस उठाएंगे। ऐसा बहुत सारी बार होता है। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको जरूरत नहीं है तो अपने जो हार्ड अर्न मनी है, एक एक रुपया आज की डेट में कीमती है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद में तो पैसे की वैल्यू हर एक को पता लग गई है। चाहे वो 10,000 का फोन हो, 20,000 का फोन हो, 30,000 का फोन हो, या कितना भी महंगा फोन हो, कितना भी सस्ता फोन हो, अगर आपको जरूरत नहीं है परचेस मत करो। खाली मैं स्मार्टफोन्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, बर्तन हो, जो भी हो, आपको परचेस नहीं करना है। हाँ, जरूरत है और सेल में अच्छी डील मिल रही है, जाओ जाके आराम से खुशी खुशी परचेस करो, लेकिन जरूरत नहीं है, कितना भी धमाकेदार ऑफर हो, आपको हार्ड एंड मनी वेस्ट नहीं करना है। वही पैसा आप अपने यूजफुल चीजों में आगे चल के लगा सकते हो। तो उसको थोड़ा सेव करके अपने जो है पैसों को यहां पर इस्तेमाल करा करो। सेल के दौरान सिर्फ डील्स देख के जो है अपने पैसों को बर्बाद मत करना। दूसरा पॉइंट, सेल का मतलब मेन जो है, लोगों यहां पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आता है। सबसे पहली बात, आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरी बात, प्रीपेड डिस्काउंट अलग कार्ड पे मिलता है। तीसरी बात, बैंक ऑफर वगैरह काफी 10% में आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपने यहाँ पर कार्ड डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया हो, तो सेल में परचेस करने का फायदा ही क्या है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरे पास SBI का कार्ड नहीं है, मेरे पास HDFC का कार्ड नहीं है, मेरे पास भी SBI का कार्ड नहीं है, मेरे पास भी HDFC का कार्ड नहीं है। लेकिन जुगाड़ करना पड़ता है। सेल डेट कब से आ गई थी? दो हफ्ता, डेढ़ हफ्ता पहले से आ गई थी। मैंने आपको बहुत सारे लोगों को बोला था भाई जुगाड़ कर लेना। देखो पहले क्या करो, अगर आपको पता लग जाता है भाई ये कार्ड पे डिस्काउंट मिलने वाला है, फ्लिपकार्ट पे 10% का, या अमेजोन पे हो गया, या कोई और वेबसाइट पे हो गया, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जुगाड़ लगाने की कोशिश करो। एक ना एक बंदे के पास हो गई, या फैमिली सर्कल में रिलेटिव है या कोई भी है, तो उन लोगों के पास से जुगाड़ लगाने की कोशिश करो। और अगर आपने पूरा सर्च कर लिया और आपको नहीं मिलता है, तब आप जो है बिना कार्ड के ऑफर यहां पर ले सकते हो। लेकिन अगर आप ढूंढोगे नहीं, सीधा बोलोगे भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है यार, मेरे पास जितने भी जो ऑफर वगैरह आते हैं ना, एक भी बैंक का कार्ड नहीं है, मैं जुगाड़ लगाता हूं, कहीं ना कहीं से भी LG GA Tex मैंने परचेस करा, तो 1250 रुपए का डिस्काउंट मेरे को नहीं मिलता अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी लेता तो। लेकिन मैंने बहुत सर्च करा, एक के पास निकल गया SBI डेबिट कार्ड, मैंने पहले से बात करके रखा था, तो उसने वो टाइम पे दे दिया, तो मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो मेरा फायदा हुआ ना। तो जुगाड़ लगाने की कोशिश करो। सेल में जब तक आप 10% नहीं लोगे, आपको अंदर से वो मजा नहीं आने वाला, ऐसा लगता है नॉर्मल शॉपिंग कर रहे हो। तो हमेशा जो है सेल के दौरान जो है कार्ड ऑफर और जितने भी एक्सचेंज ऑफर है आपके पास, अगर अच्छा फोन है, कम मतलब ज्यादा प्राइस पॉइंट पे एक्सचेंज ऑफर वगैरह मिल रहा है, तो वो चीज का भी यहां पर फायदा उठाए करो, अच्छा खासा पैसे यहां पर बचा सकते हो। तीसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, सेल का सीजन है, करोड़ों बॉक्स यहां पर पैक होते हैं, करोड़ों एड्रेस पे यहां पर जो डिलीवर्ड होते हैं। बहुत सारी बार गलती हो जाती है, सेलर से गलती हो जाती है, और बहुत सारे लोगों के बीच में जो डिलीवर वगैरह करते हैं उन लोग से भी गलती हो जाती है। अभी मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ ही टाइम पहले मैंने जो यहाँ पर सेल से थोड़ा पहले जो है अपना वॉलपेपर मंगाया था। हाँ, ज़्यादा महंगा नहीं था, मतलब स्टिकर टाइप का था, 300 रुपए का था, वीडियो मैंने बनाया था। तो दो बॉक्स मैंने अलग अलग वॉलपेपर के मंगाया था, एक में वॉलपेपर था, दूसरा बॉक्स खाली था। जी हाँ, बिल्लू वगैरह लगा हुआ था लेकिन खाली बॉक्स था, वीडियो में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गलती किसकी है,
मेरी गलती नहीं है, डिलीवरी वाले की भी गलती नहीं है, सेलर की तरफ से वहां पर वो फॉल्ट हुई थी और मैंने इंस्टेंटली यहां पर फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पे बात करा, मेरे को रिफंड मिल गया। लेकिन अगर को मैं 300 रुपए का था तो इतना मुझे यहां पर इतना टेंशन वगैरह नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी बार क्या आप महंगा प्रोडक्ट आईफोन वगैरह मंगा लिए हो या कुछ और महंगा प्रोडक्ट या कपड़ा वगैरह मंगाया हो, और अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आपके पास क्या प्रूफ रहता है? बहुत सारी बार आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाते हो तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा, कोई आपका रिफंड मिलने वाला नहीं है। तो हमेशा आपको एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी आप चाहे 50 रुपए का प्रोडक्ट मंगा रहे हो या 5000 का या 50000 का या 5 लाख का प्रोडक्ट मंगा रहे हो, हमेशा जब भी फ्लिपकार्ट अमेजोन या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगा रहे हो, अनबॉक्सिंग वीडियो अनकट काटना नहीं, पॉज नहीं करना, पूरी अच्छी वीडियो जो है कटिंग करते साथ, चाहे कितना भी हो यार, हल्का से आप रबर बैंड भी लेते हो तो भी उसकी भी अनबॉक्सिंग आप बनाया करो। हो सकता है अंदर कुछ आप मंगाए कुछ और निकल कुछ और गया, हो सकता है आपने 10000 का फोन मंगाया अंदर चाइना का फोन निकल गया कुछ सस्ता वाला, पॉसिबल है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूँ, चाहे कितना भी सस्ता प्रोडक्ट हो, कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो, सेल के टाइम हो या बिना सेल के हो, हमेशा आदत बना लो कि जब भी आप प्रोडक्ट को लेते हो तो अनबॉक्सिंग अगर आपको डिलीवरी बॉय के सामने बनाना है उसके सामने बनाओ, या बाद में घर पे ले लिए हो, या आपके कोई रिलेटिव ने या मतलब कि फैमिली मेंबर ने ले लिया, आप बाहर हो, तो हमेशा वो प्रोडक्ट की अनबॉक्स करते टाइम अनकट वीडियो हमेशा बना के रखना। प्रोडक्ट सही मैक्सिमम टाइम जो सही प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन 100 में से 5-6 बार ऐसा हो जाता है कि प्रोडक्ट कोई और आज निकल जाता है, खाली बॉक्स निकल जाता है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्रूफ रहेगा। तो आगे चल के जब भी प्रोसीजर जो है फ्लिपकार्ट से आप बात कर रहे हो, तो मेल पर पूछेगा भाई वीडियोस है ये जो भी है, तो आप उसको डायरेक्टली जो है शेयर वगैरह कर सकते हो, तो काफी अच्छा एविडेंट या बोल सकते हो प्रूफ रहता है, या बोल सकते हो एविडेंट रहता है, या बोल सकते हो सबूत रहता है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा यहां पर मेरे साथ हुआ था। वीडियो नहीं बनाओगे फ्लिपकार्ट से आप कॉल करके बात करोगे, सीधा सीधा बोलेगा भाई, किसको भरोसा ही नहीं होगा, उसको ऐसा लगेगा भाई खोल के जो वापस से वीडियो बना दिया, ऐसा कुछ रहेगा। अगर वीडियो नहीं रहेगी आपको कुछ भी आपका रिफंड नहीं मिलेगा, वीडियो आपके पास है तो आप विनर हो यहां पर, आपको रिफंड वहां पर मिलना ही मिलना है, चाहे एक हफ्ता हो या 10 दिन हो रिफंड मिलेगा। तो हमेशा अनकट वीडियो, चाहे कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट की आप अनबॉक्सिंग बनाना जरूरी है। तो ये चीज मुझे यहां पर आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो हमेशा सेल के दौरान स्पेशली ये 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप सेफ शॉपिंग करोगे, हैप्पी शॉपिंग करोगे और हमेशा जो ये सारी चीजों से बच के रहोगे। तो गाइस ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन थे जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना था। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो हेल्पफुल लगी नहीं लगी, ऐसी टाइप की वीडियो मैं और बनाया करूं नहीं बनाया करूं, या आपके साथ में कभी इसमें से कुछ चीजें हुई है, या आप ये चीज रूल्स को जो है फॉलो करते हो नहीं करते हो, जो भी है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।